नेक्स्ट पॉइंट नेशनल हाईवेज. वॉट आर नेशनल हाईवेज? द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवेज. यानी वो मेन रोड जिनका कंस्ट्रक्शन और जिनकी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हम उसे कहते हैं कि वो नेशनल हाईवे है. देखा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नेशनल हाईवेज को हम NH के नाम से डेजिग्नेट करते हैं, यानी सिग्निफाई करते हैं NH के नाम से, NH नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे आर द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स, फॉरेन हाईवेज, कैपिटल ऑफ लार्ज स्टेट्स एंड लार्ज इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट सेंटर्स, इंक्लूडिंग रोड रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया. यानी नेशनल हाईवे वो मेन रोड्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिनका कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, साथ ही साथ ये इंडिया के लेंथ ऑफ ब्रेथ यानी कि इंडिया के हर कोने कोने तक पहुँचे हुए रोड्स होती हैं, रन करती हैं ये रोड्स. ये इंडिया के मेजर पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं, साथ ही साथ फॉरेन हाईवेज के साथ भी कनेक्ट करती हैं. इसके अलावा बड़ी स्टेट्स की जो कैपिटल्स होती हैं उनको और बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज को, टूरिस्ट सेंटर्स को, ये सबको एक साथ कनेक्ट करती हैं. साथ ही साथ में डिफेंस ऑफ इंडिया के मूवमेंट के लिए, यानी कि जो डिफेंस के लिए जो मूवमेंट होता है, चाहे वो पैरामिलिट्री ट्रूप्स हो, इनका मूवमेंट हो, या फिर किसी डिफेंस इक्विपमेंट का मूवमेंट हो, वो भी इन्हीं रोड्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है. ठीक है. द नेशनल हाईवेज हैव अ टोटल लेंथ ऑफ 70,548 किलोमीटर. इंडियन हाईवे कवर 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया एंड कैरी 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक. यानी नेशनल हाईवेज की जो टोटल लेंथ है वो 70,548 किलोमीटर है. अगर हम सभी नेशनल हाईवेज को जोड़ दें तो उनकी टोटल लेंथ 70,548 किलोमीटर है. इंडियन हाईवेज जो हैं वो इंडिया की टोटल रोड नेटवर्क का केवल 2% हिस्सा कवर करते हैं और 40% ट्रैफिक को कैरी करते हैं. यानी 40% ट्रैफिक जो होता है वो रेलवेज के थ्रू ही होकर जाता है. ठीक है. यहाँ पर जो 2% टोटल रोड नेटवर्क दिया, इसको अगर हम बहुत प्रिसाइजली बोलें तो ये 1.7% है एग्जैक्टली. ठीक है. द ट्रैफिक ऑन नेशनल हाईवे हैज़ बीन ग्रोइंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री. अब इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से, यानी जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, इसकी वजह से नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है. द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू यूटिलाइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट टेक्निक्स टू प्रोवाइड हिंड्रेंस फ्री ट्रैफिक मूवमेंट. और जो गवर्नमेंट है वो ये ट्राई कर रही है, वो ऐसे स्टेप्स उठा रही है ताकि नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाए, अच्छी मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ किया जाए ताकि हाईवेज पर हिंड्रेंस फ्री और ट्रैफिक फ्री मूवमेंट प्रोवाइड किया जा सके लोगों को. दिस इज बीन डन बाय वाइडनिंग रोड, ग्रेड सेपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपासेस, ब्रिजेस, रेल रोड्स क्रॉसिंग एक्सेट्रा. यानी कि रोडों को चौड़ा कर ऐसा किया जा रहा है, बीच में ग्रेडेशन करके ऐसा किया जा रहा है, यानी सेपरेशन करके किया जा रहा है. ठीक है. इसके अलावा बाईपास बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं जिससे ट्रैफिक को कम से कम किया जा सके. द हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली अम्बाला अमृतसर इज नोटेड एज NH1. जो हाईवे दिल्ली अम्बाला और अमृतसर को जोड़ते हुए जाता है, इसे हम NH1 का नाम देते हैं. वेयर एज बाइफरकेशन ऑफ दिस हाईवे बियॉन्ड जालंधर टू श्रीनगर एंड उरी इज नोटेड एज NH1A. लेकिन इसी पार्ट को थोड़ा सा और डिवाइड किया गया, नहीं जो बाइफरकेट किया गया इसी हाईवे को, अलग जो इसका एक लाइन है जो कि जालंधर से श्रीनगर और उरी तक जाता है, उसे NH1A कहा जाता है. द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया इज NH7 विच स्ट्रेचेज फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू कन्याकुमारी इन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड. जो सबसे लंबा हाईवे है इंडिया का वो NH7 है, इसको याद रखिएगा. जो लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का वो NH7 है. ठीक है. और NH7 जो है इसकी लेंथ करीब 7,770 किलोमीटर है. ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ती हुई एक हाईवे है. ठीक है. तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा है, 7,770 किलोमीटर का लंबा ये हाईवे है. ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है. ठीक है.
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इंडिया का मैप है और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये इंडिया के हाईवेज के नंबर हैं, यानी एनएच के नंबर हैं ये। जैसे ये देखिए NH1A जो मैंने आपको बताया था वही तक जाता है ये, ठीक है। जैसे ये NH1 है, उसी की तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये NH7 दिखाई देगा, ठीक है। ये वाराणसी है, वाराणसी से होते हुए देखिए आपको दिख रहा है ये NH7 जो है ये कन्याकुमारी तक नीचे तक जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे हाईवेज हैं, सबके नंबर्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करते हैं वो सब इस मैप में आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि इंडिया में जो नेशनल हाईवेज हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने का, उनके मैनेजमेंट का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NHAI कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको 1988 में बनाया गया था, लेकिन ये फंक्शनल हुई थी फरवरी 1995 में, ठीक है। और इसका काम यानी इस एजेंसी का, इस अथॉरिटी का काम है कि ये इंडिया में जो नेशनल हाईवेज हैं उनको कंस्ट्रक्ट करे, नए हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करे, जो पुराने हाईवेज हैं उनको मेंटेन करे, उनको मैनेज करे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI की है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो NHAI ने शुरू किए हैं वो है एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर और दूसरा है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड कलर से जो आपको बोल्ड लाइन दिखाई दे रही है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर से, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, दिख रहा है आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक जुड़ती हुई रोडवेज है, ठीक है। और जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये देखिए ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाता हुआ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये ऐसा लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे हाईवे है इंडिया का जो कि इंडिया की चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है, दिल्ली आपको दिख रहा है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता, दिख रहा है आपको, ये इन चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ते हुए जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, अब ये एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा है जैसा कि आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है, पर ये इसके चार एंगल्स हैं इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट कनेक्ट्स इंडियाज फोर लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई एंड दिस फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ सॉर्ट्स। बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद एंड सूरत आर ऑल्सो सर्व्ड बाय दिस नेटवर्क। आपको दिख रहा होगा इस रोड में बहुत से और भी सिटीज़ हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो अहमदाबाद है, वडोदरा है, सूरत है, मुंबई है, पुणे है, ठीक है, इधर बेंगलोर है, बेंगलोर के बाद इधर चेन्नई है। आपको दिख रहा है कि बहुत से ऐसे शहर भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को सर्व करते हैं, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो NHDP बनाया गया यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया उसका ये पहला कदम था, पहला फेज था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए। इट कंसिस्ट ऑफ 5,846 किलोमीटर ऑफ 4-6 लेन एक्सप्रेस हाईवे इज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹60,000 करोड़, यानी 60,000 करोड़ की रुपए की लागत से ये 4-6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है जो कि 5,846 किलोमीटर तक लंबा है, ठीक है। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसको भी सुन लीजिए आप लोग कि इसका फायदा क्या क्या होता है। दिस हाईवे इंटरकनेक्ट्स मैनी मेजर सिटीज एंड पोर्ट्स, जैसा आपको दिख रहा है कि ये बहुत सारे पोर्ट्स को और मेजर सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। इट प्रोवाइड्स एन इम्पीटस टू ट्रक ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट इंडिया, इसकी वजह से जो ट्रक ट्रांसपोर्ट है यानी ट्रकों के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बढ़ावा मिला, उसको इम्प्रूवमेंट मिला, उसको इंकरेजमेंट मिला है। देखिए आपको ये दिख रहा है कोलकाता भी एक पोर्ट सिटी है, चेन्नई भी एक पोर्ट सिटी है, मुंबई भी एक पोर्ट सिटी है, यानी समुद्र से जुड़े हुए सी पोर्ट पे ये एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होता है जो गुड्स या जो भी सामान यहाँ पर उतरता है पोर्ट पर उसको पूरे देश में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का सहारा लिया जाता है जिससे कम से कम टाइम में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। इट इनेबल्स द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ ऑल स्मॉल टाउन्स थ्रू विच इट पासेज, हर छोटे शहर जहाँ से ये पास होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उसके डेवलपमेंट में, उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इट provides vast opportunities for transport of agricultural produce from the hinterland to major cities and ports for export.
यानी कि एक बड़े बड़े मौके लेकर आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और बाकी मेजर सिटीज़ के लिए जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने सामान को बाहर के देशों में। नेक्स्ट में यही देख लेते हैं कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है इनका प्रोजेक्ट भी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP के थ्रू ही शुरू किया गया था। ये NHDP का सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना और सेकंड फेज था नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाना, यानी कि इंडिया के नॉर्थ को साउथ से रोडवेज के थ्रू जोड़ना और फिर ईस्ट को वेस्ट से रोडवेज के थ्रू जोड़ना। ये जो फेज था इसे हम सेकेंड फेज कहते हैं NHDP का, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग 7,142 किलोमीटर ऑफ 4-6 लेन एक्सप्रेस कनेक्टिंग श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर एंड सिलचर। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर श्रीनगर से लेकर, ये ऊपर देखिए श्रीनगर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक जो कि नॉर्थ साउथ है, और यहाँ देखिए सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में है, आपको पता होगा गांधी जी यहीं पोरबंदर में पैदा हुए थे। तो सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, ये देखिए आपको ईस्ट से वेस्ट तक। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रेच बनाया गया है, रोडवेज का नेटवर्क बनाया गया है जो कि 7,142 किलोमीटर का 4-6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वुड कनेक्ट श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु विद अ 4,076 किलोमीटर लॉन्ग रोड। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑन द अदर हैंड वुड कनेक्ट सिलचर इन असम विद द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात विद 3,640 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ। यानी जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है और 4,076 किलोमीटर की रोड लेंथ को कवर करता है। इसी के साथ में सिलचर आसाम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक जाने वाला जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये 3,640 किलोमीटर की रोड लेंथ को कवर करता है। ठीक है, नेशनल हाईवे नेटवर्क टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नेशनल हाईवे नेटवर्क्स जो होते हैं इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कोशिश की जाती है कि इनका स्टैंडर्ड जो वो बिल्कुल इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही रखा जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, इसके अलावा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या NHAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो नेशनल हाईवेज़ को प्रोडक्शन करे, उसको मेंटेन करे, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWDs और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसके डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में अपना साथ दे।